गुड मॉर्निंग टू माई डियर स्टूडेंट. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद आर डू पार्ट. तो हमने डू पार्ट को स्टार्ट किया है वेर वी हैव सॉन अबाउट क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटी वेर वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज कलर्ड पेपर. तो हमने क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटी स्टार्ट किया है, उसमें से हमने ए पार्ट दैट इज कलर्ड पेपर ये चालू किया था और वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था. सो इन कलर्ड पेपर वी हैव सॉ हाउ टू डेकोरेट अ लैम्प विथ हेल्प ऑफ अ क्रिप पेपर. तो हमने क्रिप पेपर को टेयर करके उसके स्मॉल स्मॉल बॉल्स बनाए और फिर वो स्मॉल स्मॉल बॉल्स हमने लैम्प पे स्टिक किए थे. तो यहाँ पे हमें कंबाइन बुक इना कंबाइन बुक ईवीएस कंबाइन बुक में उन्होंने हमें ड्राइंग लैम्प का जो आउटलाइन रहता है वो दिया था. सो दे हैव प्रोवाइडेड अस द आउटलाइन ऑफ अ लैम्प. सो वी हैव यूज अ क्रिप पेपर. वी हैव क्रिएटेड स्मॉल स्मॉल बॉल विद द हेल्प ऑफ दैट क्रिप पेपर. तो हमने जो क्रिप पेपर यूज़ किया था उसके हमने स्मॉल स्मॉल बॉल्स बनाए और फिर वो बॉल्स हमने वो जो लैम्प का आउटलाइन दिया था उसके ऊपर चिपकाए, ग्लू के हेल्प से हमने चिपकाए. सो वी हैव स्टिक ऑल द स्मॉल स्मॉल बॉल्स विच वी हैव प्रिपेयर विद द क्रिप पेपर टू द आउटलाइन ऑफ द लैम्प विथ हेल्प ऑफ ग्लू. आफ्टर स्टिकिंग आर लैम्प वॉज रेडी. सो दिस वी हैव सॉ इन अ प्रीवियस लेक्चर. सो टू रिकैप वॉट ऑल मटेरियल्स एंड वॉट ऑल स्टेप्स वी हैव फॉलो टू डू दैट लैम्प लेट अस सी रिकैप वीडियो नाउ. तो अभी मैं आपको जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था एक्टिविटी वो अभी मैं आपको एक रिकैप वीडियो यानी आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ उसमें से आपका रिकैप यानी रिविजन करने वाली हूँ. सो हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो. So, by watching this video, I hope you have revised what all things we have learned in our previous lesson. Now, let's move further. In next topic, we are going to see रंगोली. तो आज के लेक्चर में हम रंगोली के ये टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं और फिर वो करने वाले हैं. So, student, are you ready to learn this new topic? Very good. So, let us start with a new topic that is Rangoli, R-A-N-G-O-L-I. So, I request each and every students to open your EVS combined book page number 94. So, आज जो हम टॉपिक सीखने वाले इसके लिए आपको आपकी EVS की combined book page number 94 खोलना पड़ेगा. So, let's start with a new topic that is Rangoli. So, what is Rangoli? Rangoli क्या है? So, Rangoli is a type of a pattern or a design
which we draw in front of a house during an festival. तो रंगोली क्या है? तो रंगोली एक टाइप ऑफ पैटर्न है या एक टाइप ऑफ डिज़ाइन है जो हम दिवाली या कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तभी वो हमारे घर के आंगन में हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि दिवाली में अपने घरों के सामने आप रंगोली ड्रॉ करते हो तो वहाँ पे आप अलग अलग पैटर्न्स यूज़ करते हैं, अलग अलग कलर्स यूज़ करते हैं। सो विथ हेल्प ऑफ अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग कलर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस वी यूज टू ड्रॉ दैट रंगोली। सो वाई दिस रंगोली इज बीन ड्रॉ? ये रंगोली क्यों किया जाता है? क्योंकि हम हमारे घर पे जो भगवान आने वाले हैं उसका स्वागत करने के लिए वो हम रंगोली निकालते हैं, और वो भी सुबह सुबह रंगोली निकाल जाती है। दिवाली के टाइम पे वो रंगोली क्यों निकाली जाती है? क्योंकि भगवान का स्वागत करने के लिए वो रंगोली निकाली जाती है, जहाँ पे हम उसको रंगोली को फ्लावर से डेकोरेट करते हैं, फिर अलग अलग कलर्स, अलग अलग डेकोरेटिव थिंग्स यूज़ करके वो रंगोली को प्रेजेंट करती है। सो वही टॉपिक से आज हम हमारे ये लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आपके EVS कंबाइन बुक में आपको रंगोली का डायग्राम या रंगोली का आउटलाइन दिया हुआ है। आपको क्या करना है? सो यू हैव टू ट्रेस्ट एंड कलर द रंगोली। तो आपको जो रंगोली है वो आपको कलर करनी है। उन्होंने आपको दिया है डॉट डॉट लाइन्स में वो रंगोली आपके बुक में प्रेजेंट की है। तो आपको क्या करना है? तो आपको जो रंगोली उन्होंने प्रेजेंट की है वो आपको ट्रेस करनी है। तो आपको ट्रेस करने के लिए आप या तो पेंसिल का यूज़ कर सकते हो या तो अलग अलग कलर्स के पेन का यूज़ करके वो जो पूरी रंगोली है वो आपको ट्रेस करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको आगे के वीडियो में बताने वाली हूँ, और उसके लिए क्या क्या सामान लगने वाला है, क्या क्या मटेरियल्स आपको लगने वाला है वो भी मैंने आगे के वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पे खाली मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो आपको वो रंगोली को ट्रेस करना है। आप या तो पेन यूज़ कर सकते हो या पेंसिल या कलर पेन्स। वो ट्रेस करने के बाद आपका जो भी फेवरेट कलर है वो आपको हर एक पैटर्न में देना है। तो आप हर एक पैटर्न में अलग अलग कलर्स भी दे सकते हो या तो एक ही कलर दे सकते हो। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ रंगोली एंड व्हाट ऑल थिंग्स वी रिक्वायर एंड हाउ टू प्रेजेंट दैट रंगोली वी हैव सॉ हियर। इन फर्दर वी विल सी इन वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इट। सो नाउ the material required to trace and color the rangoli is, तो अभी हम material क्या क्या required है देखने वाले। तो हमें colors की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं wax color use कर रही हूँ, wax crayons। अगर आपके पास wax crayons है तो आप wax crayons use कर सकते हो, अगर आपके पास दूसरा oil pastel है तो आप oil pastel use कर सकते हो। उसके बाद हमें बोला है कि रंगोली को trace करने के लिए, तो trace करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? स्केच पेन, या आपके पास पेन है तो आप पेन से कर सकते हो, अगर आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल से। तो यहाँ पे मेरे पास स्केच पेन है तो मैं ट्रेस ये स्केच पेन से करने वाली हूँ। कोई भी एक कलर का मैं स्केच पेन यूज़ करके वो रंगोली को ट्रेस करने वाली हूँ। तो ये मटेरियल हमें रंगोली को ट्रेस करने के लिए है। तो क्या क्या है? कलर्स एंड स्केच पेन हमें लगेगा रंगोली को ट्रेस करने के लिए। स्टूडेंट इन योर EVS कंबाइन बुक, तो बच्चों आपके EVS के कंबाइन बुक में आपको पेज नंबर 94 पे रंगोली का डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे उन्होंने डॉट डॉट में दिया गया है। तो आपको क्या करना है? तो यहाँ पे आपको ट्रेस एंड कलर द रंगोली, तो आपको ये जो रंगोली ट्रेस करनी है, ट्रेस करने के लिए आप स्केच पेन ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, पेंसिल कोई भी कलर का, और फिर ये जो डॉट डॉट लाइन्स दिया है उनको ज्वाइन करना है। सो लेट्स स्टार्ट ज्वाइनिंग इट। तो यहाँ पे मैं स्केच पेन से ज्वाइन कर रही हूँ। तो आपको ये पूरा ज्वाइन करना है। आपको जो डॉट डॉट लाइंस उन्होंने प्रोवाइड किए हैं उसके ऊपर ही आपको ज्वाइन करना है, उसके बाहर आपको नहीं जाना है। स्लोली आपको करना है। मैंने यहाँ पे ग्रीन स्केच पेन इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास स्केच पेन नहीं है तो आप अपने पेंसिल से भी कर सकते हो, या तो आप अलग अलग कलर के पेन लाइक ब्लैक पेन, रेड पेन रहता है वो भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको
जितने भी डॉट डॉट लाइंस दिए गए हैं वो आपको ज्वाइन करने हैं, पूरे रंगोली को आपको ज्वाइन करना है। आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरा पूरा डॉट डॉट लाइंस कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा पूरा रंगोली का डॉट डॉट लाइंस मैंने ट्रेस करके कंप्लीट किया है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्केच पेन से पूरे रंगोली को ट्रेस किया है। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, तो अभी इसको मैं कलर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं वैक्स क्रेयॉन्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास वैक्स क्रेयॉन्स नहीं है तो आप अपने नॉर्मल कलर भी यूज कर सकते हो, या तो ऑयल पेस्टर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी अपना फेवरेट कलर है वो यूज करो। तो यहाँ पे मैं पिंक कलर से ये जो फोर डायग्राम है आपको दिख रहा है 1 2 3 4, इसको पिंक कलर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर दोनों को किया, अभी नीचे वाले दोनों को मैं करने वाली हूँ। फिर ये वाली लास्ट वाला। जब आप कलर करोगे तभी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे हमने स्ट्रीक किया था, तो इसलिए आप लाइट कलर करो, फिर आपको आपका पसंदीदा कलर लेना है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर लेने वाली हूँ इसको कलर करने के लिए, ये चार जो है इसको। आपको धीरे धीरे कलर करना है क्योंकि पेज ना फटे। अगर आप जोर से करोगे, प्रेशर देके करोगे, तो आपका पेज फट सकता है। तो आपको धीरे धीरे कलर करना है, फिर लास्ट वन का आपको करना है। अभी इसके अंदर जो सर्कल है उसको मैं ऑरेंज कलर देने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर लिया है। और जो अंदर का भी सर्कल है उसको भी मैं ऑरेंज कलर देने वाली हूँ। अभी जो ये साइड में डिजाइन है उसको मैं कलर देने वाली हूँ। ये उसके लिए मैं रेड कलर यूज करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं मेरा पसंदीदा कलर यूज कर रही हूँ, आप अपना पसंदीदा कलर यूज कर सकते हो। अभी जो इसके अंदर वाला सर्कल है उसको मैं येलो कलर से कलर करने वाली हूँ। और जो अभी बाकी का पार्ट बाकी है उसको मैं ब्राउन कलर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कलर यूज किया, मैंने वैक्स कलर यूज किया और पूरे रंगोली को कलर किया है। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर यूज किए, आप भी अलग अलग कलर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी रंगोली रेडी है, यू कैन सी, वेरी। तो आपको भी आपके कंबाइन बुक में ऐसी ही रंगोली करनी है।
आप अपने पसंदीदा कलर यूज कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट, लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव लर्न इन टुडेस लेक्चर। सो इन टुडेस लेक्चर वी हैव सॉ अबाउट रंगोली। सो व्हाट इज रंगोली एंड हाउ वी प्रिपेयर रंगोली। देन वी हैव डन एन एक्टिविटी इन अ EVS combined book on page number 94 where we have traced the rangoli and after that we have colored that rangoli with help of various types of colors and we have complete a rangoli. So to know more about this again, let us revise what we have saw in that video. So here I will show you video again to revise what we have learned in today's lecture. So let have look on this video again.
Now student, it's homework time. So the homework is, आज आपका homework है, you have to complete your page number 94 of your EVS combined book. तो बच्चों आपको आपके EVS combined book का पेज नंबर 94 कंप्लीट करना है. आपको वो जो रंगोली है उसका आउटलाइन और उसको कलर दे के वो पूरा जो रंगोली है वो आपको कंप्लीट करना है. कंप्लीट करने के बाद उसका फोटो खींच के मुझे भेजना है. सो स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू, सो यू हैव टू कंप्लीट योर पेज नंबर 94 ऑफ योर EVS कंबाइंड बुक. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पेज यू हैव टू क्लिक द फोटो ऑफ दैट पेज एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी. सो आपका कंप्लीट होने के बाद आपको वो फोटो निकाल के मुझे भेजना है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट टूडेज लेक्चर. सो स्टूडेंट थैंक यू.